गाइस यार यहाँ पे रहा हमारा ड्रैको, तो हम लोग जाने वाले हैं हंटर का मॉडिफिकेशन करने, तो हम लोग चलते हैं गाइस, मॉडिफिकेशन करवाना है हम लोगों को। सो गाइस यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रहा हमारा ड्रैको, तो हम लोग वहाँ से बाहर से अंदर लेके आए, तो इसको हम लोग करवाने वाले हैं। सबसे पहले रैप, तो हम लोग का रैप पेंसिल से कट गया है, तो उसको अब काट के यहाँ पे उसको लाइट से इसको गरम करके लगाएंगे, तो देखते हैं आगे हम लोग कि कैसा दिखता है। तो काफी अच्छा दिखने वाला है हमारा हंटर, पहले से भी अच्छा ही दिखता है, लेकिन वो लगने के बाद भी और खूबसूरत बन जाएगा, तो देखते हैं हम लोग। सो गाइस यार यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे यहीं पे लगवाने के लिए, तो ये लगने के बाद काफी ओपी सा लगेगा हमारा ड्रैगो, काफी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले इस रैप को निकाला जाता है, काफी अच्छा दिख रहा है ऐसा ही हम लोगों को। तो यहाँ पे हमारे भाई जो लगा रहे हैं, ये शॉप का नाम है दुर्गा आर्ट, तो काफी अच्छा शॉप है, यहाँ पे हम लोग का सस्ते में भी बन जाता है, स्टिकर जो भी हम लोग बनवाने वाले रहते हैं सब सस्ते में निपट जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छे से दिखना चाहिए, बस लुक तो अभी से काफी ओपी आ रहा है, तो हम लोग लगने के बाद कैसा लुक आएगा वो देखना चाहते हैं। स्टार्टिंग और काफी अच्छा लग रहा है, काफी ओपी आ रहा है गाइस यार, तो यहाँ पे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा ही अभी स्टार्टिंग है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि लगने के बाद पूरा कैसा लगता है, तो आप लोग देख सकते हो हमारा हंटर कैसा दिखने वाला है आप लोगों को, और आप लोगों को हम लोग इसका सिनेमैटिक्स भी दिखाएंगे लास्ट में। तो यहाँ से काफी अच्छा है, तो एक बार क्या हुआ था, एक बार स्क्रैच पड़ गया था यहाँ पे, छोटा सा ब्लैक था पूरा, वहाँ पे रगड़ा गया था, तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है यार। A few moments later. So guys, यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा अभी लुक आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसा लुक आ रहा है, तो काफी अच्छा दिखने लगा है, तो अभी तो आधा अधूरा काम हुआ है, अभी बहुत बाकी है इसमें का। काफी बढ़िया भैया ने ब्लेड ही से कट किया है, तो अभी नीचे का बाकी है, और इसमें का ब्लैक पट्टी अभी बाकी है, और KTM ब्लैक कलर का स्टिकर अभी लिखवाना बाकी है, तो काफी अच्छा आ रहा है, आप लोग देख सकते हो ऐसा ही। मुझे बना रहा है
या क्या मत लुका रहा है अभी यार, आप लोगों को सिनेमैटिक्स मिल जाएगा लास्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं, काफी बढ़िया आ रहा है अभी, उसको हीट करके उसका बबल निकाला जा रहा है अभी। टोटल पूरा हो जाने के बाद आप लोग को मिलते हैं हम लोग। A few moments later. So guys, यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा हंटर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो गाइज यार काफी ओपी हम लोग का हंटर लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेट कर दोगे तो हमारा हर एक न्यू वीडियो, हर एक न्यू मोडिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। देख सकते हो आप लोग काफी हंटर काफी ओपी लग रहा है। और हम लोग चलते हैं अपने ड्रैगो के पास। सो गाइस यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने मीटर करवा लिया है ब्लैक, और अपना यहाँ पे जो गार्ड है उसको निकलवा दिया है कि वो बहुत ही बेकार लग रहा था, इसलिए तो सीधा सीधे हम लोग चलते हैं। स्पीड में कोई भी इसको बीट नहीं कर सकता, इसमें जितना पावर है कोई भी कंपनी को निंजा के अलावा इतना पावर बनाने में उसकी हाथ ना होगी। A few moments later. So guys यार आप लोग का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो क्या हाल है? आई आई आके इंडियन राइडर वीडियो में तो गाइस यार बाय। Yeah!